भाई लाहौर आए हैं, आपकी मुलाकात इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ करा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि लाहौर की कुड़ी के साथ आपकी मुलाकात ना कराए हैं जी? तालियां। आज जो हमारी मेहमान है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इंतहाई टैलेंटेड एक वो लड़की हैं, खातून नहीं बोलूंगा, लड़की हैं, यंग सी लड़की हैं, वो एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करती हैं और लिखती तो क्या कमाल है और दिखती उससे भी बेमिसाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अलग दिल लाहौर दिया अमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम अमर, वेलकम टू द टॉक टॉक शो लाहौर स्पेशल। थैंक यू सो मच। हाउ स्पेशल आर यू अमर? हाउ स्पेशल के दो लाहौरी एक साथ और एक्सप्रेस का द टॉक टॉक शो और मेरे से ज्यादा एक्सप्रेसिव और टॉकेटिव वैसे ही नहीं है। ओए होए 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 टा 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 टा। इट्स गोइंग टू बी अ फन शो। यस इंशाल्लाह, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू अमर, थैंक यू, आप आई मेरे शो में यार, इतना टाइम लग गया आपको आते आते, क्या प्रॉब्लम? बस पता नहीं ये किस्मत नहीं चाह रही थी कि हमारा मिलाप हो पाए, आज हो गया, लेकिन कराची में देखे रह के नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, आज हो गया। अब आपने जाना नहीं है, इधर ही रह जाओ। हां मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रह जाएं अमर, मेरी आंखों में समा जाएं, मेरे दिल में बस जाएं और बस भूल जाएं घर को। उसके लिए पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसके लिए पूरी चेकबुक देनी पड़ेगी। डिजिट्स भी मेरी मर्जी के। कैसे? वर्थ इट, वर्थ इट ना, आई नो दैट, वर्थ एवरी पेनी, है ना, है ना। अच्छा यार आप आई हैं, अब मैं बातों का सिलसिला कैसे शुरू करूँ? आप लग इतनी हसीन रही अमर, क्या वजह? आप हमेशा जब मैं आपसे मिलता हूँ आप पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और बाल आपके जी, मैं तो देखता हूँ हर बार जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आपके बालों में शाइन जो है उसमें इजाफा हो जाता है यार, क्या वजह? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आजकल बाल और पफ की जो स्टाइलिंग है वो तो आपकी भी बेमिसाल है। लेकिन कुछ ऐसे मेरे हार्ड कोर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हमेशा साथ कैरी करती हूँ। साथ कैरी करती हूँ? साथ कैरी करती हूँ, हाँ। बाकी आज भी बैग में लेके आई हम साथ? ऑफ कोर्स यार। नहीं यार, एक एक्ट्रेस के लिए उसके कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और आपके सेलफोन और चार्जर के अलावा वो तो हमेशा मस्ट आपके साथ होंगे। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं ये बैग अगर उठा के आपको दे दूँ तो वुड यू लाइक टू टेल अस योर व्यूअर्स, योर फैंस एंड मी व्हाट यू कैरी विद यू? व्हाट्स इन माय बैग, माय बेसिक्स? व्हाट्स इन योर बैग अमर? क्या बात है, आज सेगमेंट ही आपने ये बैग वाला सेगमेंट, नया सेगमेंट, सारे राज और ब्यूटी टिप्स और चीजें खोल दूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा सो हमेशा कुछ चीजें जो रखनी पड़ती हैं बेसिक साथ, वो एक ये मेरा परफ्यूम है, ठीक है, ये बहुत इसीलिए खुशबूएं मारती हुई आई हैं, फैलाता है, यही यही। उसके अलावा देयर इज दिस सेलफोन चार्जर दैट आई ऑलवेज कैरी। चार्जर साथ मतलब आपके जाता है हर जगह? आपके नहीं जाता। मैं खुद ही चार्ज हूं। इतना ताज्जुब, मैं अपने अंदर ही बैटरी ला लेना। और ये जो हमारी जानू जाने मन, हमारी जिंदगी का चैन, हमारा एक अदद फोन, ये हमेशा जरूर साथ लेकिन रहता इसका है। तो बालों से और खूबसूरती से अमर क्या ताल्लुक यार? देखिए एक वो अल्लाह ताला की तरफ से नूरानी हुस्न भी तो एक चीज होती है ना, तो वो दिल में अच्छा सोचे तो स्किन वैसे ही आपकी ग्लो करती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ बालों के लिए कुछ, इनफैक्ट आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको दिखा ही देती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो है हमेशा अपने साथ इनफैक्ट कैरी भी करती हूँ। मैं भी आपके शूट के लिए थोड़ा सा लेट हो रही थी तो मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने थे, सो हेयर इज दिस हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। नॉर्मली क्या होता है आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन लड़कियाँ इवन लड़के भी 50-50, 60-60 हज़ार रुपया रिबॉन्डिंग के लिए लगाते हैं। 15 मिनट में ये आपके बाल स्ट्रेट कर, 15 मिनट में? एब्सोल्युटली। वाह, तो आज जो मेरे बाल इतने आपको स्लीक स्ट्रेट लग रहे हैं ये बस मैंने लगाया और आपके शो में पहुंच गई। तो बाल आपके माशाल्लाह स्लीक और स्ट्रेट तो लग रहे हैं, इनका रंग भी बड़ा जबरदस्त है। इनका रंग भी बड़ा जबरदस्त, हाँ ये मैंने ऑब्जर्वेशन देखे हमें। आप आज मैं सोच रही हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स हेयर एनर्जी के खास तौर पे आपको भी गिफ्ट करके जाऊं। मेरे बाल ठीक नहीं है क्या? आप हर रोज शो करते हैं ना, तो अच्छा प्रोडक्ट यूज करना बड़ा जरूरी होता है। एंड बाय द वे दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर बोथ यूनिसेक्स, या दोनों आदमी और औरतें ये इस प्रोडक्ट को, मेल और फीमेल दोनों इसे लगा सकती हैं
उसके अलावा देयर इज दिस अदर थिंग। नहीं वो आप रंग का जो बता रही थी, मैं रंग का बता दिया। अच्छा अभी आपको दिखाऊं, अभी मेरे बालों का कलर है ये, अगर आप फोटो देख सके, कैरमल ब्राउन। ओए ओए ये फोटो तो मैं देखना चाहूंगा। ये कैमरे को भी दिखा दे जरा फोटो, जूम करके। ओए 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 ओए। अच्छा अभी कैरमल ब्राउन है। हाँ। मुझे हर किरदार के मुताबिक हर दो दो महीने के बाद रंग चेंज करना पड़ता है। आप देख ही रहे होंगे, जैसे इससे पहले जो कलर था वो जरा ये डार्क ब्राउन था। इफ यू कैन सी, इफ योर कैमरा कैन सी। अच्छा अक्सर डीएम्स भी बहुत सारे लोगों के आते हैं कि आपका हेयर कलर कौन सा है, कौन सा यूज कर रही है, और उससे पहले ये वर्जिन ब्लैक थे मेरे बाल। तो ये सब जो हेयर कलर हैं, ये इफ यू कैन सी दिस इज अ हेयर कलरिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। ये है एनर्जी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 मिनट में आपके बाल जो है वो डाई कर देता है। 5 मिनट में। अब लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि आजकल जितनी गर्मी है लाहौर कराची दोनों जगह जो मौसम है, तो रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, स्वेट बहुत करता है आपका स्कैल्प। तो ये 5 मिनट में ना सिर्फ आपके डाई करता है बाल, बल्कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इट्स एमोनिया सल्फेट एंड पीपीडी फ्री। ठीक है, तो कोई हार्मलेस केमिकल, नो हार्मफुल केमिकल्स या एट ऑल। और फिर साथ में कैरेटिन और कोलेजन भी है, तो उसके साथ ये आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, नरिश भी अच्छे होते हैं। सो दीज आर माय टू गो टू प्रोडक्ट्स। और भी कुछ है यार बालों के लिए? तो यही है। हाँ। बाकी अमर खान के नुस्खे जो स्किन के लिए, वो मैं फिर किसी दिन आपको डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगर आप जिप बंद कर दें अपने बैग की तो मैं नीचे रख दूं। मैं खुद नहीं बंद कर रहा, मैं क्या चाहती ना मार लूं। नहीं 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 ना मार चाहती यार। और जो माशाल्लाह आप इतनी मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनैलिटी की मालकिन है, एक्ट्रेस आप, राइटर आप, और मैं स्पेशल आपको एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, बिकॉज़ ही इज द हीरो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं यार। अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमर। आई एंजॉयड ही इज द हीरो सो मच, उसका ह्यूमर, उसके जोक्स। आई मैसेज यू आल्सो, सच अ विटी स्क्रिप्ट। हाउ डिड यू मैनेज टू पुल दैट ऑफ? ऑफ इवन आई डोंट नो, नॉट इवन इन माय लाइक डेडलीस्ट नाइटमेयर्स हसन, मैंने ये सोचा था कि मैं टीवी के लिए कभी लिखूंगी। हाँ। आपको याद होगा कि आपसे भी जब जब मिली हूँ किसी इंटरव्यू में, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू आई कांट राइट फॉर टीवी। एक मेरी ट्रेनिंग टीवी वाली नहीं है, तो मैं अपने आप फिल्मों वाली है, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी, सो नेचुरली वो 2.5 घंटे का फॉर्मेट, और वो हमेशा से कहानियाँ, शॉर्ट फिल्म भी लिखी तो छोटी लिखी, 30 एपिसोड ड्रामा, और एक एक एपिसोड वो भी रमजान का, एक्स्ट्रा प्रेशर के यार के रोज इतने लोग देख रहे होंगे, रोज एक एपिसोड आनी है, जरा सा भी फ्लैट हुआ तो मतलब गए। हाँ, और कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग। मैंने 3 महीने में एक्चुअली ये स्क्रिप्ट लिखा। वाकई? तो द क्रेडिट आई हैव टू मेंशन सेवन स्काई के असद कुरैशी साहब। जब मैं उनके पास गई तो मुझे ऐसा लगा ये टेलीफिल्म होगी या बड़ी हद है हम 7-8 एपिसोड की सीरीज करेंगे। सो व्हेन आई नरेटेड हिम द स्टोरी, ही सेड कि ये तो रमजान का ड्रामा है। तो मुझे जितनी खुशी उस वक्त फील हुई, उतना ही कोई 3-4 दिन तक मैं प्रेशर में रही कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। एंड आई टुक माई टाइम टू थिंक के हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक इट वॉज हिज बिलीव कि यू नो हम सब हैं, द कॉन्टेंट टीम इज गोइंग टू बी देयर, आई एम गोइंग टू बी देयर। सो ही हैड एक्चुअली वेरी गुड इनपुट्स ऑल्सो इन द स्क्रिप्ट। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने साथ मिल के डिवेलप करवाई मुझसे, एंड थैंक्स टू हिम कि मुझे वो लिबर्टी दी कि मैंने शायद एक टिपिकल ड्रामा नहीं लिखा, एक जो सेट फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा सिनेमैटिक भी था, हंसी मजाक भी था, बड़ा पंजाब सेंट्रिक था, यहाँ के कल्चर से निकला हुआ था, तो दे अलाउड मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो हीर द हीरो से ड्रामा था पिछला, वो था दराड़। बिल्कुल, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ी जबरदस्त एक हाइप क्रिएट हो गई थी। उससे पहले जो फिल्म आपने जो लिखी, जो आपने की आपकी पहली फिल्म दम मस्तम और हीर द हीरो, अब इन सब में वन कैन आर्ग्यू एंड आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट कि यार के वो जो एक होता ना हिट इट आउट ऑफ द पार्क, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो व्हाट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस लाइक? दराड़ भी ऑब्वियसली पॉपुलर था, लेकिन आपके कैरेक्टर को लेके आया यार के वो बहुत ही ऐसा मिस्कीन सा एक किरदार था। हीर द हीरो मैंने पर्सनली बहुत इंजॉय किया, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि वो वाली हाइप नहीं हुई जो टिपिकल रमजान ड्रामा की होती है। सो इवन दो यू वर्किंग वेरी हार्ड, आप मेहनत बहुत कर रही हैं और नजर आ रहा है कि आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आई थिंक हीर द हीरो का एक, मैं आपको बात बताऊं, आई डोंट नो व्हाट्स द एक मेजरिंग स्केल जिसपे आप किसी चीज की सक्सेस को मेजर करते हैं। ओवरऑल इस बार आई विल बी ऑनेस्ट, रमजान के ड्रामों की उतनी ज्यादा शायद हाइप नहीं थी। क्या वजह? आई कैन ओनली स्पीक ऑन माय बिहाफ, जो मेरा ड्रामा था
हमारे ड्रामे की थ्रू आउट रेटिंग भी आती रही, और अगर आप सिर्फ व्यूज़ की बात कर रहे हैं तो व्यूज उसके शायद इसलिए कम थे क्योंकि वो एक रीजनल स्पेसिफिक ड्रामा था एंड मेकर्स वर बट मौला जट रीजनल स्पेसिफिक फिल्म 300 करोड़ द बिजनेस लेकिन उसका जॉनरा आप मौला जट से हर पंजाबी आने वाली चीज को कंपेयर करते हैं मैं कह रहा हूं रीजनल एज इन लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर या इट इज टू एन एक्सटेंट क्योंकि जो हम रेटिंग चार्ट्स लीड कर रहे थे हालांकि ये बड़ी मायूब बात है कि एक एक्टर को एक आर्टिस्ट को एक राइटर को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए बताना पड़े कि मेरे फलां ड्रामे पे इतने व्यूज थे व्यूज तो मेरे टिप टिप बरसा पानी से टिप टिप बरसा पानी एक वक्त ऐसा आया कि वो कैटरीना का गाना भूल गए और उनको लगा ये मेरा गाना था ऐसा उसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं लेकिन आई थिंक आजकल बहुत से ड्रामों के बहुत व्यूज आ रहे हैं बट डू यू थिंक दे वर्थ इट दे क्रेडिबल आई डोंट थिंक सो YouTube पे व्यूज नहीं आ रहे थे लेकिन रेटिंग्स आ रही थी आप सबके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे मैं तो कह रहा हूं मुझे बहुत पसंद है और जो वर्ड ऑफ माउथ था यकीन माने पंजाब में छाया हुआ था हीर द हीरो तो हमने जिस आई थिंक ऑडियंस को टारगेट किया था उससे तो बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा था हमारे कुछ सीन्स हैं जो आप टिकटॉक पे जाके देखें जिसमें जो है एक एक सीन पे जो है वो 18 मिलियन व्यूज है तो अगर आप व्यूज देखें तो शायद वो एपिसोड्स पे नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे बिकॉज देन यू हैव उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस देयर आल्सो ट्रू लेकिन जो एक रीजन स्पेसिफिक है उसमें तो बहुत अच्छा जा रहा है ठीक है और दम असम और दराड़ दराड़ यार देखिए जो चीज मैंने लिखी है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ आई विल नॉट थ्रो यू नो और आई विल नॉट शेयर द ब्लेम गेम विद समबडी एल्स बट जिस चीज का मैं सिर्फ चेहरा हूँ अनफॉर्चुनेट बात है एक्टर्स के लिए कि वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं बिल्कुल हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है उसके पीछे स्क्रिप्ट होता है उसके पीछे मेकर्स होते हैं सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर तो वी कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो दम अस्तम या दैट आई ओन दैट आई फुली ओन एहतशाम भाई को मुझे अदनान सिद्दीकी को हमें जो फिल्म बनानी थी और कहनी थी हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था हमारे पे कोई एक ऑब्लिगेशंस नहीं थी या सेट फॉर्मूला नहीं था जो हमें फॉलो करना था हमने वो बनाया जो हम बनाना चाहते ठीक है एंड आई थिंक इट डिड एक्चुअली रियली वेल जितनी भी फिल्म्स 6 फिल्में उस दौरान थी एक हॉलीवुड की फिल्म समेत तो आज वाज द ओनली वन व्हिच इन फैक्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंची और उसका लर्निंग है लर्निंग है लर्निंग है इन सारे प्रोजेक्ट्स से लर्निंग इज मेक व्हाट यू बिलीव इन सक्सेस एंड फेलियर अल्लाह ताला के और आपके नसीब में है हाँ. उसकी वजह से काम ना करें डू यू थिंक यू अराइव्ड ऑन द सीन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कंटेंट बना सकती हूँ और उस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे तो उसी दिन पता था कि आई हैव अराइव्ड ये दिया ना सही जवाब या हां वो तो लग गया करोड़ों रुपया हाँ. अब तो मल्टीपल टाइम्स लग गया अब तो मल्टी हां एग्जैक्टली हां तो बस प्रोड्यूसर्स को फायदा हो ही रहा होगा जो लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं बिल्कुल वरना तो आजकल के दौर में कोई थप्पड़ भी ना मुफ्त में लगाए बिल्कुल सही बात है आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस एब्सोल्यूट और फ्लाई दारा तो है नहीं कोई भी प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल के यार के हम फी सबीलिल्लाह कंटेंट बना रहे हैं इवन धराड़ को बहुत सक्सेस मिली यार धराड़ की जो अगेन मायूब बात कि हमें रेटिंग्स और व्यूज का बताना पड़ता है हाँ। लेकिन ये पता नहीं किसने किस इडियट ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है बिल्कुल ऐसी बात है बट टेल मी समथिंग आर यू एबल टू डू द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वांट एज एन एक्टर एज अ राइटर नहीं मैं बात कर रहा एज एन एक्टर जिस तरह के रोल्स आप करना चाहती हो वो रोल्स मैंने जब जब वो रोल्स किए जो मैं करना चाहती हूँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए मसलन बहुत सारे मसलन मेरा पहला ड्रामा गुगी था वेयर आई वाज व्हिच वाज बेस्ड ऑन अमृता प्रीतम का नॉवल और आमना मुफ्ती ने उसे अडैप्ट किया लेकिन पीरियड प्ले एक कंटेंट ड्रिवन और सीरियस सब्जेक्ट मैटर है बिल्कुल उसकी शायद जैसे जो बिछड़ गए की कहां व्यूअरशिप थी बिल्कुल सही है कहां उसकी रेटिंग्स थी लेकिन क्या वो एक बेहतरीन ड्रामा नहीं है वो मेरा पिछले 5 साल में अगर आप पूछे मेरा फेवरेट कौन सा ड्रामा है तो आई थिंक वो जो बिछड़ गए तालियां जो बिछड़ गई टीम के लिए बट गुगी वाज नॉट अ बिग सक्सेस उसके बाद मैंने बेलापुर की डायन किया जब 5 एक्ट्रेसेस टॉप एक्ट्रेसेस ने उस रोल को मना कर दिया तो उन्हें एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा और उसके लिए उस साल मुझे सारी नॉमिनेशंस मिली यू डिलीवर्ड कमर्शियल सक्सेस उस तरह से नहीं था बिल्कुल तो क्रिटिकल यू लाइक मैं करना ही नहीं मैं वो करना जेड़ा यार बिक रहा है करना है जेड़ा कराई च बजे थी और का नेक्शन आज मैं बाहर निकलती हूं तो औरतें जब मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कहती हैं कि आपने जो वो
वो जो धरार में वो जुमला था, इस तरह के मर्द फितरतन किसी एक औरत पे नहीं टिकते, और इस तरह की औरतें भी नहीं, उनको वो पसंद आया। तो आई डोंट जज माय ऑडियंस, आई जस्ट फील सलमान खान की फिल्म की अपनी ऑडियंस है और नसीरुद्दीन शाह की अपनी है, दोनों को राइट है, कोएग्जिस्ट। बट एज अ फिल्म मेकर वो एक क्रेविंग भी होती है ना यार, होती है, और वो मैं करती रहती हूँ पंगेबाजियां ऑन एंड ऑफ। मैंने इनफैक्ट फिल्म भी वही बनाई जो शायद जिसपे वो सारे वो फॉर्मूलाइक वो मैंने मसाले वो वाले नहीं थे एग्जैक्टली, और वो मैंने वो बनाया जो मुझे कहनी थी। बड़े हीर द हीरो में तो थे यार मसाले, बड़े वीआईपी किस्म के जो आपने तड़का लगाया यार, जो ह्यूमर था, रियली ये जो ह्यूमर है, इज इट इनेट इन यू, आपकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है या ये जब आप लिखने बैठी तो ये आमद आना? आपको छोटा सा एक क्रिटिसिज्म बताती हूं, बताएं। मैं नाम नहीं, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं, आपका नहीं। अच्छा। आपने तो इतना एंजॉय किया, आपको देख देख के मैं एंजॉय करती थी और सांसें लेती थी। मुश्किल एक चीज ये थी कि वो जब शूट हो रहा था तो साथ साथ लिखा भी जा रहा था। अच्छा। तो जनरली आई वाज नॉट लुकिंग एट द यू नो रिव्यूज, क्योंकि मुझे ये था कि यार कुछ गलत आ गया तो पता नहीं मैं डिसहार्टन ना हो जाऊं या मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं। लेकिन मैं कुछ बड़े शौक से रिव्यूज देख भी रही थी। एक रिव्यू आया तो उसमें नाम नहीं लूंगी, पर किसी ने कहा कि ओ माय गॉड, बट यू नो दिस इज सो क्रिंज एंड यू नो दिस इज सो चीप, ऐसे कहां होता है कि किने क्या सी यार इस तरह से बात करें। और कहां होता है ऐसे कि एक छोटी सी मिसाल है, उसमें एक सीन था कि घर में चूही घुस जाती है और एक कोहराम मच जाता है। जब आप डिफेंस में बैठे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि अंदरून इलाकों में जहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं, सीवरेज सिस्टम वैसे ही नहीं है, आसपास बेसमेंट और कारखाने हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है बिल्कुल, कि कुड़कियां लगाई जाती हैं और उन चूहियों को कैच करना एक हंट है पूरा। नहीं जी, अगर डिफेंस से किसी घर भी चूही आ जाए तो एनजी होता है, उन्हां दे घर नहीं आंदी होएगी ना, तो उन्होंने रिलेट ही नहीं किया। नहीं, उन्हां दे घर लिजर्ड्स आंदियां ने। हां, लिजर्ड्स, लिजर्ड्स आंदियां ने, तो कॉकरोचेस आंदे ने। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं। इमरान और मैं जब ये ड्रामा अंदरून लाहौर में शूट कर रहे थे तो रमजान में शूट कर रहे थे और बड़ी रातें भी आती थी। एक दिन वहां पे बच्चे ना ये शब्बे बरात और ये सब आते हैं जब, तो पटाखे बहुत चलाते हैं, तो हम शूट करें, हम जुमला बोलने लगे, वो पटाखा हमारे पाँव में फेंक दें। और लिटरली एक ऐसा वक्त आया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना क्राउड, मजमा लिटरली हसन कोई 300-400 लोगों का मजमा बाजारों में, गलियों में, और हम जुमला बोले तो पटाखा आ जाए। तो अब जिसने ये कल्चर जिया ही नहीं है उसके लिए तो ये एलियन ही होगा। लेकिन मैं रोज सुबह वहाँ पे सेट पे जाती थी और मुझे कोई 20-25 बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप गटर में गिर गए पुराने एपिसोड में। तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है, बिकॉज इट वॉज अबाउट देम। जो आप बात कह रहे हैं कि वो सिचुएशंस बनाई, यस सम वर एनिमेटेड, हमें वो जो एक क्रिएटिव लाइफ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो ह्यूमर है ये आपका अपना ह्यूमर है इन इन योर लाइफ, बिकॉज़ आई नो यू आर रियल। या बिकॉज़ माय ननियाल इज फ्रॉम अंदरून लाहौर, तो ये सारी चीजें, ये छोटे लेवल के काउंसलर लेवल के इलेक्शंस, अगेन हम बहुत सारी बातें उस ड्रामे में कह गए जो शायद एक सीरियस ड्रामे में कहते तो उस पे बैन लगता, वो अलाउ नहीं हमें होता कहना। लेकिन बात ही सबसे अच्छी वो है कि आप कह भी जाए और पकड़ा ही ना दें। अब आपने अंदरून शहर का जिक्र किया, लग दी लाहौर, ओह माय गॉड, आज तो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ये गाना। और लाहौर की सबसे अच्छी बात क्या है यार, ये बताएं आप। आई थिंक लोग, ओए लाहौरियों के लिए तालियां, लाहौरियों के लिए तालियां, खुले दिल के, हाय हाय, जो मुंह में आए भक देते हैं, लाउड माउथ है हम थोड़े। और कुछ लोग कहते हैं कि ओ ये बहुत स्टीरियोटाइपिकल है, पंजाबी कहाँ लाउड माउथ होते हैं, लेकिन पंजाबियों की ना एक, मेरी आवाज बह गई है शो कर कर के, आपकी आवाज कराची पहुंच रही है डायरेक्ट। तो वो जो एक होता है ना फनी बोन्स होना, हाजिर दिमागी, कि आपने कोई पंच लाइन मारी तो ठक वो आई आपको वापस, ये लाहौरियों का फोटे है बिल्कुल है। और खाना लाहौर का, ये तो यार कराची का खाना ज्यादा अच्छा है, यू लग रही यार, लेट्स अग्री दे, हम दोनों, मेरा लाहौर से, मैं रहा हूँ लाहौर में, मेरा इट्स माय सेकंड होम, यू लाहौरी, कराची के खाने में ज्यादा वैरायटी है, हैं ज्यादा वैरायटी, नहीं नहीं मान लो हमारे कोई बात यार नहीं, अब पाए कुलचे चने तो लाहौर के अच्छे हैं, कुछ स्पेसिफिक खाने हैं जो लाहौर के अच्छे हैं। लाहौर अभी तक दे आर नॉट एबल टू गेट द बिरयानी राइट यार, अब सिर्फ बिरयानी को पकड़ के आप कत्ल थोड़ी कर सकते, और 50 चीजें, कढ़ाइयां भी कराची की ज्यादा मजे की, बारबेक्यू भी कराची का ज्यादा मजे का। अच्छा चले मान लेते हैं, मान ली ना बात, मान लेते हैं, मेरे ख्याल में छोले आप कह लोगे या पाए जो चने, तिलों वाले नान, तिलों वाले नान तो उधर भी मिल जाते हैं, हम नानों का की यार असल तो रोटी, मतलब मैं तो 5 साल तो है मैनू तो आज तक सही नान मिला नहीं। मैं इन्नी बार क्या, लेट्स गो आउट फॉर डिनर,
यू ऑलवेज डिक्लाइन तिलों वाले नान खाने डल्ला ये कौन सा डिनर है यार लव देसी खाने चलेंगे ना हां हां डन है तिलों वाले नान खाने चलेंगे डन डन ठीक है अच्छा और बताओ लाहौर की और क्या खास बात है लाहौर की ह्यूमर और खाने के अलावा एक जो बड़ी खास बात है आप किसी भी मैं आती हूँ अपने दोस्तों से पूछती हूँ क्या करेगा कुछ नहीं चिल तो ये कुछ ना करना भी एक कमाल करने के बराबर है मुझे एक दो नाम याद आ गए जो हमारे साथ हैं इस टूर के ऊपर लाहौर के हमारे लाहौर स्पेशल है उनका भी यही है अच्छा कि वो चिल कर उनका यही है अद्धा घंटा मैनू जांच लगेगा अद्धा घंटा मैनू आंच लगेगा ते विच जिहड़ा पौना घंटा मैं काम करना है ते छड्डो फिर की वैसा जो नवाबी है ना वो यहाँ की हवा में है खुली सड़कें ग्रीनरी तो लोगों का दिल करता है या खाएं या सोए रहें हाँ और कराची अच्छा या लाहौर अमर ये बताओ आप हमें कराची अच्छा लाहौर यही एडिट आपने निकालने बाद यार ऑनेस्टली मेरी एक तरह से समझ ले मुझे कामयाबी कराची ने दी हाँ. तो आई कांट लेट गो ऑफ दैट गरीब परवर शहर वो कहते हैं ना समंदर जो है वो हर फकीर को नवाजता है ये yes, तो yes. हम जो फकीर यहाँ से वहां जाते हैं काम की तलाश में हाँ. लाहौर बहुत नवाजता है सॉरी कराची बहुत नवाजता है लाहौर में मेरा दिल है मेरी स्कूलिंग मेरे दोस्त सब कुछ यहाँ पे है तो आई कांट लेट गो ऑफ दैट ये आप जो कराची गई लाहौर से कराची का आपने सफर तय किया How welcoming was the industry? Industry ने ऐसे बाएं फिलाई का welcome अमर या उन ऐसे ऐना कोटलियां हैं जो बावा तो आपको you had to make your way through. I'll be very honest with you. अक्सर लोग nepotism का भी बहुत वो पूछते हैं. I never got any opportunity because of my mom. Because my mom was an artist, she was not a star. लेकिन मुझे प्यार हमेशा उनकी वजह से बहुत मिला. क्योंकि जिन लोगों ने उनकी स्ट्रगल देखी है और उनकी बीइंग अ सिंगल पेरेंट उनकी अनथक मेहनत देखी है उन्होंने जब मुझे तरक्की करते हुए देखा तो नेचुरली दे लुक एट हर विद अ लॉट ऑफ लव एंड प्राइड तो जो मुझे लोगों से इश्क मिलता है वो मेरी अम्मा की वजह से मिलता है इंडस्ट्री में भी मैं जब नई नई गई तो अभी मैं बिल्कुल गई ही थी कि You know, a lot of people approached me to write a film for them. Achha. And one of them was Humayun Saeed. Bilkul. I was not even an actor at that time. One of them was Adnan Siddiqui, jinki saath maine apni pehli film ki. To sirf ye is soch se kisi ko pehla mauka dena ki ek isne film making padhi hai. Dusra ye itni passionate hai ki iske paas full bounded ek script hai aur na sirf baatein hain. To koi is baat pe invest kar de ye bahut badi baat hai. Bahut badi baat hai. यानी कि आपके टैलेंट को लोगों ने परखा समझा और आपको मौका दिया बिल्कुल दिया और अमर अगर टैलेंटेड इंडिविजुअल हो तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक सकती है सूनर और लेटर वो अपना मुकाम अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं ख्वातीनों हजरात अमर हमारे साथ मौजूद हैं बड़ा मजा आ रहा है आगे भी और बड़े मजे मजे के सेगमेंट्स हैं आपने कहीं जाना नहीं आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक ख्वातीनों हजरात इतनी खूबसूरत अमर खान हमारे साथ बैठी हुई हैं यार लड़कियों की खाली खूबसूरती की तारीफ करो तो लोग नाराज होते हैं इतनी खूबसूरत और इतनी टैलेंटेड अमर खान हमारे साथ थैंक यू सो मच हैं ये भी बोलना जरूरी है इतनी टैलेंटेड एक्टर इतनी टैलेंटेड राइटर बहुत जल्दी मैं भी आपको ये लकब देने वाली हूं क्या के होस्ट क्रिटिक एक्टर Handsome. आपने by the way मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी दी मैंने है, किया तो आप एक्टर भी मैंने हैं मैंने हैंडसम बोला चार बार आपने इग्नोर कर दिया आप हैं चार्मर हैं हैंडसम या और जो आपने माशाल्लाह आपकी जो जर्नी है वजन गिराने की फिटनेस की तरफ जाने की वो तो मैं टिप्स दे सकता हूँ अगर आप पकड़ाई नहीं दे रहे आप आजकल बस ये मतलब साल के एंड में अगर आप हॉलीवुड की या कोई तुर्की की फिल्म कराए आपके शक्लो सूरत के लोग होते हैं अल्लाह का वास्ते बस कर दो लेकिन ये कि आपने आप जैसे हसीन लोगों ने शो पे आना होता है तो यार उसके लिए थोड़ा अच्छा लगता है बंदा जरा फिट हो जरा बिल्कुल बिल्कुल स्टाइल में बैठा हो बिल्कुल अमर यार ये क्या आपने बात की मेरी टीम ने मुझे ये दिया अभी ये सवाल उन्होंने कहा कि अमर ने अपने एक शो में कहा कि कुछ एक्टर्स जानबूझ के अपनी ट्रोलिंग कराते हैं और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीदते हैं ये वाकई में डजंट साउंड लाइक यू यार डिड यू रियली से दैट डिड आई से दैट इंस्टा फॉलोअर्स आपकी टीम एक्चुअली बड़ी फप्पे कुटनी भी है जान के इस तरह के सवाल निकालती है बट डिड यू से दैट आई डोंट रिमेंबर कुछ एक्टर्स अपनी ट्रोलिंग खुद करवाते हैं कुछ जान के मुझे अब ये ना कहना नहीं बोला वरना वो क्लिप भी चला देंगे अच्छा चलें अब मुकर भी नहीं सकते क्लिप चल जाएगा आई थिंक बोला होगा क्यों बोला था क्योंकि ऐसा होता है तो बोला है ना एक्टर्स अपनी ट्रोलिंग खुद कराते अच्छा नहीं ट्रोलिंग नहीं खुद कराते बट जैसे अगर कोई बड़ा हॉट टॉपिक इशू चल रहा है तो उन्हें लगता है कि इस पे बात करेंगे और इस पे अपनी टिप्पणियां देंगे वोकल होना एक और चीज़ है लिबर्टी ऑफ स्पीच एक और चीज़ है जान बूझ के हर चीज़ में यू नो एक उसका मुद्दा बनाना वो कम्प्लीटली एक और चीज़ है
तो फिर उनको उस पर बैकलैश भी मिलता है. सो आई थिंक एक्टर्स शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे सेइंग. इस कॉन्टेक्स्ट में गाता है कि मतलब व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली फिर आपकी ट्रोलिंग तो होगी. तो इसका मतलब आप उसके जिम्मेदार खुद ही हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप क्या करती हैं जब आप देखती हैं कि यार के कोई चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, फेलो जो आपके एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के लोग हैं उनके बारे में कोई बात हो रही है, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर पॉलिसी, कि चुप रहना है या अगर कोई करीब है तो बोल दोगी, क्या क्या सोच चल रही है? मैं जितनी टॉकेटिव हूँ और आपने भी टॉक टॉक शो में बुलाया हुआ है तो मेरी शक्ल से आपको लगता है कि मैं चुप रहती हूँ. लेकिन हाँ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पुटिंग एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया एंड बीइंग वोकल अबाउट द राइट थिंग्स. तो जहाँ पे मुझे लगे मुझे बोलने की जरूरत है मैं बिल्कुल बोलती हूँ, बोल देती हूँ. हाँ हाँ. अच्छा ये बताएं, हम अक्सर सुनते हैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात बोली है कि द इंडस्ट्री इज अनफेयर टू वुमेन फीमेल एक्टर्स. व्हाट्स योर टेक ऑन इट, इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो. अगर किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा भी है तो वो एक उनका अपना नजरिया होगा. अनफेयर टू वुमेन, व्हाई? होता ना यार, एक तो पे स्केल की बात है, मेन आर पेड मोर कंपेयर टू फीमेल एक्टर्स. उसका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सोसाइटल और कम्युनिटी और दुनिया से ताल्लुक है कि इनइक्वालिटी का औरतों को लेके जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया में चल रहा है. तो इनइक्वालिटी तो है, वो है बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में भी है. बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में भी है. ये देखते हैं कि यार के सेट के ऊपर जो फीमेल एक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. बीइंग अ वुमन आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव को हमेशा, मैं तो खैर राइटर भी हूं, आप तो राइटर हैं, तो मेरे लफ्जों को भी अहमियत दी गई. और इवन एज एन एक्टर whenever I have talked to my director or my producers, उन्होंने हमेशा उसे इम्पोर्टेंस दी है. And of course, then there is also this conversation के यार के you know undue favors की बात होती है अक्सर female actors के साथ. You know we hear about stories casting couch से related. हमारी industry में है ऐसे incidents आपके ख्याल में? अच्छा, I'm sure अगर लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं कुछ, अगर मैं कह दूं कि क्योंकि मैंने नहीं फेस किया तो नहीं है, तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट. अच्छा. होगी. मैंने नहीं फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज पीपल न्यू माय मॉम एंड पीपल नो मी आल्सो, दे आर अवेयर ऑफ माय पर्सनालिटी. लेकिन अगर इस तरह की एडवांसमेंट्स जिनके साथ हुई हैं वो भी झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है. हरासमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो सरफेस भी हुए हैं. So if they are fighting for their voice, for their freedom, kudos to them कि वो publicly खुल के बाहर आते हैं. I think आपने जो बात की, that's the crux of it, कि ये societal issues हैं. जी. हमारी society में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और industry भी बहरहाल है तो society का हिस्सा. बिल्कुल बिल्कुल. वही लोग हैं जो industry का भी हिस्सा हैं. तो जो बुराइयां वहाँ पे होती हैं वो इंडस्ट्री में भी होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जो अच्छाइयां सोसाइटी की वो भी आई एम श्योर इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट करती हैं. बिल्कुल. अच्छी बातें क्या है हमारी इंडस्ट्री की? अच्छी बात यह है कि हम टीवी इंडस्ट्री को लेके खास तौर पे रोज़ रात के 8 बजे लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वो बड़ा वार्म वेलकम भी करते हैं. वो खुले दिल से बाहें फैला के हमारा इस्तकबाल करते हैं. हम रोते हैं तो वो रोते हैं, हम हंसते हैं तो वो हंसते हैं, हम कभी कभी बहुत बुरे मैसेजेस भी देते हैं तो वो बेचारे वो भी देख ही रहे होते हैं. तो उनका और हमारा एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है. बिल्कुल है. इससे बड़ा क्या इन्फ्लुएंस होगा कि हम लोगों के इमोशनली उनसे कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें अपनी मनवा रहे हैं. तो एक तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, जज्बात का बॉन्ड है, एहसासात का बॉन्ड है हमारा. राइटर निकला ये बाहर. दूसरा आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ राइटर इट्स अ प्लेजर. ये मेरा हसन, इस इंडस्ट्री में काम करना, एक्टिंग करना, ये प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना. ये मेरा पैशन रहा है हमेशा से. तो डूइंग वॉट यू बिलीव इन, आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ प्राइड दैट यू लिविंग द लाइफ वॉट यू लव्ड द मोस्ट. तो आई थिंक मेरे लिए तो वही एक बहुत बड़ी बात है. अब बिकॉज यू आर ऑल्सो अ राइटर, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधों के ऊपर कि यार किस तरह का कॉन्टेंट जा रहा है, किस तरह के कॉन्टेंट को इंडोर्स कर रही हूं. बिल्कुल. वो जिम्मेदारी फील करती हैं आप एज अ राइटर? यस. एज एन एक्टर नहीं इतनी फील होती? एज एन एक्टर टू एन एक्सटेंट यस. एक आपको मिसाल देती हूँ. एक ड्रामा मैं कर रही थी, 15 एपिसोड्स मैंने उसके पढ़ लिए. जब मैंने वो साइन किया, 23वें एपिसोड में मुझे पता चला कि द गर्ल हु सो फायरी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट, उसका एजॉल्ट रेप हो जाता है. तो ये मेरे नॉलेज में बात नहीं थी क्योंकि ड्रामा तब जब शूट पे था साथ साथ लिखवाया जा रहा था. तो जब मैंने वो, मुझे सुनने में आया कि कुछ इस तरह की डिवेलपमेंट हो रही है,
तो आई टॉक्ड टू माई टीम द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड आई टोल्ड देम दिस इज नॉट व्हाट आई वाज पिच्ड दिस इज नॉट व्हाट वाज आस्क्ड एंड आई डोंट थिंक दिस इज इवन द मेन मुद्दा ऑफ द स्टोरी तो क्योंकि ये सोशल इशू है और इससे रेटिंग आएगी आई डोंट थिंक आई एम ओके और मैंने बड़ा एक सही तरीके से ये मुद्दा उनके सामने पेश किया एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने वो चेंज किया. मैं इस बात पे आपके लिए एक्स्ट्रा तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस मसला है हमारे ड्रामों में. बिल्कुल. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हमारे पूरे आप तो राइटर पूरा स्क्रिप्ट बाउंड वो करके देती हैं आप पूरा बाइंड हुआ हुआ होता है बट हमारे ड्रामों के स्क्रिप्ट असल अक्सर लिखे जा रहे होते हैं साथ साथ और 5-6 किस्तें होती हैं. एक्टर साइन कर लेते हैं बाद में इस तरह का कोई बीच में वो डाल देते हैं ट्रैक फिर उनको करना पड़ता है शूट. आई फील सो सॉरी कि हमारे मुल्क के इतने मंझे हुए अदाकार स्टैंड नहीं ले पाते. इतना बैकलैश फेस करना पड़ता है. स्टैंड आई थिंक वो लेते होंगे लेकिन अब मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं. पता नहीं करनी चाहिए बात या नहीं लेकिन वो जो कुछ ट्रिकी ड्रामास है ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रामास आप भी तो उनको रिव्यू करते हैं क्योंकि आपको व्यूज मिलते हैं तो आप उन पे बैन लगाएं. आप कहें कि हम नहीं रिव्यू करेंगे आपको पता है उस पे व्यूज आएंगे. मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या है. ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और लोग करते हैं. देखें बैन कर देने का मतलब है कि आपने आंखें बंद कर ली. हाँ आंखें तो आपने खुली रखनी है ना. और अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है सोसाइटी में अगर आप उसको देख के उसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो बेहतरी कैसे आएगी. बिल्कुल ऐसे. ये तो वो वाली बात है. और मैं बल्कि ये बड़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ बात के बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं जब आते हैं और मैं उनसे ड्रामों की परफॉर्मेंसेज की बात करता हूँ वो कहते हैं हम तो देखते नहीं पाकिस्तानी ड्रामे. तो जब आप देखते नहीं है और आप उन ड्रामों का हिस्सा है तो आप बेहतरी कैसे लेके आएंगे. आपको पता नहीं है कि क्या खराबी है. तो हाँ हम वो ड्रामे देखते हैं हाँ हम उनको रिव्यू करते हैं हाँ हमें बहुत सारे व्यूज आते हैं लेकिन अगर हम उनको रिव्यू नहीं करेंगे और उनको हाईलाइट नहीं करेंगे ऐसा नहीं कि देख हम तारीफें कर रहे हैं. हम तो देख के तो हम ये कह रहे हैं ना यार कि ये चीज बेहतर हो सकती है कैसे बेहतर हो सकती है. सो आई थिंक यू विल एग्री कि हर एक का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि हमारे मुल्क का कॉन्टेंट बेहतर हो. बिकॉज अमर यू गाइज एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री आर डूइंग सच अ फिनोमिनल जॉब एंड आई नीड टू से दिस ऑन रिकॉर्ड. हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की जो ऑडियंस है पूरी दुनिया में आई एम श्योर यू आर अवेयर It is crazy. आप ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली. आप अवार्ड शोज पे गई हैं. यार मैं एक्चुअली फिल्म की प्रमोशन के दौरान जब हम यूके यूएस वगैरह में एक टूर करने गए आप यकीन माने उनको वो सीन याद है जो मुझे भी एज एन एक्टर याद नहीं कि मैंने परफॉर्म किया है. उन्हें वो जुमले याद है जो मुझे भी नहीं याद कि मैंने वो किए हैं. तो इट्स कमेंडेबल यार कि पाकिस्तानी ड्रामा इज द ओनली प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली थिएटर कभी उस तरह से ग्रो नहीं किया. उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस होती है. फिल्म्स हमें शायद इतनी अच्छी नहीं बनानी आती. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. 15 साल बाद एक बहुत बड़ी फिल्म बना ली तो इसमें इंडस्ट्री का कोई मैजिक नहीं है. इसमें उस बिलाल लाशारी का है जिसने अपनी पूरी जवानी अपने पूरे 10 साल एक फिल्म को दे दी. बिल्कुल सही बात. सो क्यूडोस टू हिम दैट ही वॉज एबल टू यू नो डिलीवर ऑन 10 years. इंडस्ट्री का इसमें कोई कमाल नहीं. हाँ बट वही मैं कह रहा हूँ ना फिर तो हमारी इन सारी चीजों में जब आप देखें तो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे कल्चर की हमारी कहानियों की हमारे किरदारों की. हाँ जी. तो वो अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आ जाके तुम्हारे मुल्क पे रिफ्लेक्ट करेगा. कैसा मैंने जवाब दिया. क्या जवाब दिया. मानती है फिर आप. मैं राइटर हूँ बुनियादी तौर शुरू से आपको मानती है आप. अब शुरू करते हैं एक और हमारा सेगमेंट. इसका नाम है डेंजर डेक. डेंजर डेक. ओके. परेशान नहीं होना आपने. ठीक है. रैपिड फायर सेगमेंट है ठीक जो कि आज तक कभी मैंने रैपिडली नहीं किया. इसमें कोई करंट तो नहीं लगा रहे. करंट नहीं है ये क्योंकि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में पहले से ही. करंट मेरे पे नहीं असर छोड़ेगा. आपने वही बिजली का मुजाहरा करना. ठीक है ठीक है. मैं कहता हमेशा यूं कि रैपिड फायर है लेकिन आज तक मैं रैपिडली इसको कंप्लीट कर नहीं पाया. ठीक है. क्योंकि कोई जवाब आता फिर मेरा दिल चाहता अच्छा मैं और इसके बारे में पूछूं. ओके. इंडस्ट्री में आने के बाद कोई एक नुकसान जो आपने उठाया. जो एक नुकसान मैंने उठाया. हाँ. नहीं यार ऐसा तो कोई नुकसान अभी तक मैंने नहीं उठाया. यार प्रोबेबली ये है कि पहले आप चली जाती थी ग्रोसरीज करने आप. हाँ. मुश्किल होता है शायद. मैं अभी भी मास्क वर्क वगैरह लगा के और कवर शवर करके चली जाती. बिल्कुल, कोई आपको परेशानी नहीं, नहीं नहीं कभी दिल चाहे यार गोलगप्पे खाने बंदा रोड पे खड़ा होकर. उस दिन मैंने देखा वो माहिरा के साथ वो बाबर जहीर थे वो लिबर्टी में उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो चिप्स खा रहे हैं. तो माहिरा पहन के कौन कैसे चिप्स खा सकते हैं. नहीं वो उतार के साइड पे जाके चिप्स खा रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली वो मार्केट में तो घूम रहे हैं ना. ठीक है. तो इफ यू वांट टू एंजॉय दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन ऑलवेज डू दैट. ठीक है. अपनी नहीं अम्मी की कोई ऐसी आदत बताएं जो आप बदलना चाहती हैं.
आई थिंक वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है. मैं उतनी नहीं हूँ. और ना वो बहुत ज्यादा चीजों को लेके ऑर्गेनाइज्ड है कि राइट टाइम पे राइट चीज होना. तो मुझे बड़ी उलझन होती है उस चीज. अ बिग शैडो टू फरिया जबीन जी. लव हर, मोस्ट लवेबल एंड मोस्ट वार्म पर्सन इन द इंडस्ट्री. रेट द बेस्ट एक्ट्रेस. बल्कि आप एक काम करें, एक्टिंग के क्यों करा रहे हैं यार, क्यों रेट करूं मैं? क्या करूं? कौन सी रेडी मैंने लगाई हुई है? इसको रेट करें, बताएं मैं क्या करूं फिर? आप राइटर हैं, अगर आपने अपना एक स्क्रिप्ट लिखा है उसमें आप कास्ट करना चाहेंगी तो मैं आपको 4-5 नाम सजेस्ट कर रहा हूं. आप ये मोड़ा है थोड़ा एंगल. राइटर है और कास्ट करना है. मैं तो नहीं सीखा राइटर. क्लेवर. हां, यू आर अ राइटर, यू आर अ फिल्म मेकर. आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी है. आप नहीं रेट करेंगी तो कौन करेगा? रेट नहीं कर सकते ना. चले, मैं आपको, आप एक स्क्रिप्ट लिख रही है, ठीक है, और आपके पास ये 5 एक्ट्रेसेस का नाम आता है, पोर्टफोलियो आता है, ठीक है, और आपकी कास्टिंग की डिसीजन आपके हाथ में. आप किसको कास्ट करेंगी? ज़ारा, ज़ारा नूर अब्बास, नीलम मुनीर, एमन खान, सारा खान या आयजा खान? आई थिंक अगर कोई कॉमेडी टाइप का फन स्क्रिप्ट है तो ज़ारा और आयजा. ठीक है, बस यही बता रहा था ना. और अगर कॉमेडी और फन टाइप का स्क्रिप्ट नहीं है तो? नहीं तो फिर नीलम इज गुड एक्ट्रेस. नीलम इज अ गुड एक्ट्रेस. एमन इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस. एमन काम नहीं कर रही तो आप उनको बीच में मत लाएं. ठीक है, वो ब्रेक पे हैं. ठीक है. आप मुझे फंसा नहीं सकते. मैं सवाल भी पैदा होता, अल्लाह मेरी तौबा, मैं क्यों फंसाना चाहूँ आपको. इंडस्ट्री के मर्दों में एक बात जो आपने, आपको लगा कि यार ये बुरी बात है, आपने नोट किया यार ये बात ठीक नहीं है, क्या है वो? ना सिर्फ इंडस्ट्री के मर्दों में, कहीं भी एक अदाकारा को कुछ बड़े जजमेंटल नजरों से देखना या उनके चेहरे पे उनकी बहुत तारीफ करना, फ्लर्ट करना, फ्लर्ट नहीं भी करना, तारीफ करना, लेकिन पीठ पीछे वही एक टिपिकल मुनाफकत अप्रोच रखना, मुनाफकत, इट्स वेरी बैड, वेरी बैड. और जब बड़े सॉर्टेड लोग इस तरह की शर्मनाक चीजें करें या सुने भी, इफ आई स्टैंड फॉर सर्टन यू नो थिंग्स, तो वो मैं कैमरे पे आके सिर्फ मुझे वो स्टैंड नहीं लेना, वो सबसे पहले मुझे अपनी निजी जिंदगी में लेना है. नाम लेना चाहेंगे कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं. इतना मैं आपको क्यों हेडलाइंस दूं? मुझे नहीं, आप हेडलाइंस देंगी. इतना मैं टॉपिक यार, वो कहते हैं ना एक जुमला है कि जब टॉप पे हो तो टॉपिक तो बनेगा और जब सबसे अहेड हो तो हेडलाइंस तो निकलेंगी. ऐसे ही है. पर मैं आपको इतना नहीं नवाजूंगी आज. ठीक है, कोई बात नहीं. हम किसी और तरह से ले लेंगे. ठीक है. खाने का कोई ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत पसंद है? मैंने पहले भी बताया, आई थिंक मीठे चावल और नमकीन चावल मिक्स करके खाना. मीठे चावल और नमकीन चावल और एक्चुअली उनके ऊपर दही की मलाई डाल के खाना. हाँ. ओफ, हाथों से खाना. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आपने करना है. हाँ. बहुत जल्द लोग मेरे हवाले से सुनेंगे ब्रेकिंग न्यूज, काशिफ निसार साहब का अगला ड्रामा मैं आ रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज. ये आपने ब्रेक कर दी हमारे? वो मैंने ब्रेक कर दी है. पाकिस्तान का पहला ड्रामा जो कितना डिफरेंट होगा, कितना रियलिस्टिक होगा, बेहतरीन होगा, वो आप बताएंगे. मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि पहला ड्रामा जो जर्नलिज्म के ऊपर है और एंटायरली जर्नलिज्म के ऊपर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आप पर की जाने वाली एक ऐसी तनकीद, एक ऐसा कमेंट, कोई क्रिटिसिज्म जो आपके दिल पे बहुत ही बुरी तरह से जिसने चोट लगाई हो? चोट तो नहीं लगाई हो, लेकिन अब वो मुझे इरिटेट बहुत करती है कि आपने खुद ही लिखा और खुद ही आगे, दिल करता है पुट्ठे हाथ की चमाट मारूं मुंह पे. Have you seen me? How much hard work I've poured into it? Huh. I feel very upset actually. कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल पढ़ा, क्योंकि ये मेरा पैशन था, मैंने किसी के सर पे एहसान नहीं किया. लेकिन जो मैं 6-6 महीने अपने आप को कमरे में बंद करके लिख रही हूँ, और अगर मोस्टली एक्टर से आप पूछें तो वो कहते हैं हमें हमारी मर्जी के रोल नहीं मिलते. आपने भी मुझसे आते ही ये सवाल किया कि यू लर्न फिल्म मेकिंग, सो डू यू फील सैड जब उस तरह के मीठी रोज ही मिलते आपको? तो अगर मैं वो लिख के कर पा रही हूँ तो आपको क्या मौत वाकया होगी? आप अपने हुनर पे काम करें, आप जल क्यों रहे हैं? ठीक. मुझे अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है यार. ठीक है, आपका अगला सवाल ये तो नहीं था कि अगला खुद ही लिख के खुद ही क्यों आ रही है. अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसे 3 नाम? हाँ. जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज स्प्लेंडेड, जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर. हाँ, 3 लोग जिनका जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है. आई थिंक इमरान का सेंस ऑफ ह्यूमर कभी कभी बड़ा अच्छा होता है. इमरान अशरफ का? हाँ. कभी कभी अच्छा होता है. एक्चुअली वो इतना हंसते हैं और इतना अपने लाफ्टर को एंजॉय करते हैं. मैं कह रही हूँ कि दूसरे कितना एंजॉय करें उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ.
कि वो कभी कभी बड़ा अच्छा उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर है और कभी कभी वो अपने अंदर ही अंदर बहुत इंजॉय करता है. तो आई थिंक इमरान, उसके अलावा वासे चौधरी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, ताबिश का सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी विटी, वेरी नाइस. ठीक है, आपको अपने आप अपने अंदर कोई कार्टून कैरेक्टर नजर आता है कभी कभी? लोगों को हीर जट में नजर आया था जब वो कौन? इतनी पिन्ने लगा के और कहती है हेलो वीवर्स. तो वो जो वीवर्स था वो बड़ा लोगों में क्लिक हुआ. तो आई थिंक उनको वो थोड़ा सा कार्टून, नॉट कार्टूनिश लेकिन एनिमेटेड, बड़े कोई कार्टून जैसे हम देखते टॉम एंड जेरी या कोई इस तरह का. आई थिंक आई शुड बी जेरी ऑफ टॉम एंड जेरी. जो जेरी ऑफ टॉम एंड जेरी. ठीक है. एंड यू शुड बी टॉम रनिंग आफ्टर मी. आई एम टॉम. टॉम यू मीन. डीमोटिवेट करने वाले तीन जुमले जो आपने अपने को-स्टार से सुने. यार ये तीन जुमले सुन के या तीन ऐसे इंस्टेंसेस जो आप जिसने आपको बहुत डिस्करेज किया हो, यार ये तो इन्होंने क्या ही बात बोल दिया यार, आई एम रियली अपसेट. आई थिंक एक ये कि जो आप सोच रही हैं क्या क्या ये आपको लगता है स्क्रीन पे भी उस तरह से ट्रांसलेट होगा एज अ राइटर? हाँ, तो एक तो वो मुझे बड़ा वो लगा कि जब सोच लिया यार तो इतनी कैपेबिलिटीज तो होनी चाहिए कि वो स्क्रीन पे भी आ जाए. अब इतने भी बुरे दिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नहीं आए तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है कि इतनी कोई मुश्किल थॉट तो नहीं है कि स्क्रीन पे नहीं आए. दूसरा आई थिंक एक मिथ कि लड़कियां मेकअप और हेयर में बहुत टाइम लगाती हैं, लड़के भी बहुत लगाते हैं. आई नो लॉट ऑफ माई मेल को एक्टर्स जो टाइम भी लगाते हैं और जो बाय द वे पंक्चुअल भी नहीं है. तो उससे मुझे थोड़ी कोफ्त होती है. तीसरा याद नहीं आ रहा, कुछ ऑप्शंस दे दें. ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं याद आ रहा नहीं तो याद कोई बात, जब आएगा तो बता. मुझे तो पता ही नहीं किसी के बारे में कुछ, मैं तो जानते नहीं किसी को. जितने आप एक्सक्लूसिव्स और न्यूज़ ब्रेक करते हैं, मैं तो सेट पे जो आ जाते मेरी मुलाकात हो जाती मुझे और पता जितना आप चट्टा वट्टा ये है कि किसी को को-एक्टर्स के साथ सुना फड्डे हो जाते हैं अक्सर. आई एम श्योर होते होंगे. अच्छा, आपके नहीं हुए कभी? मेरे भी होते हैं. होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुए, रिसेंटली हुए कोई बड़े. अच्छा, सरप्राइजिंगली फीमेल एक्टर्स के साथ कभी नहीं हुए. अच्छा, मेल के साथ? I am very sorted that way. Oh. और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे chances ज़्यादा होते हैं. When two actresses are working. But like with Momol, I had a blast. With Sara, with Neelam, with Hina Altaf, ये सब जितनियों के साथ मैंने काम किया. I think in fact I share लड़कों के साथ. नाम नहीं ले रही हम. कुछ कुछ पढ़े. कोई नाम आपने नहीं लिया यार किसी लड़के का नाम नहीं. इमरान के साथ आपने बहुत काम किया, हीर द हीरो. नहीं, एहसन के साथ आपने क्या? मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं इमरान वाला फड्डा को आपको बताऊं, आपको बहुत मजे आए. नहीं, इमरान के साथ अभी आपने रिसेंटली किया है फिल्म भी की. सैयद जिब्रान के साथ आपने किया, एहसन के साथ किया. आखिरी तीन ड्रामों के तो मुझे याद है आपके मेल एक्टर्स. इन तीनों के साथ आई थिंक नॉट एग्जैक्टली फड्डे बट देयर इज अ क्लैश ऑफ थॉट्स विद हूम विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑल ऑफ देम. या 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 ठीक है. नॉट विद जिब्रान एक्चुअली. जिब्रान बड़े वो चुप रहने वाले और जो मिल गया वो बस डिलीवर कर देने वाले एक्टर हैं. लेकिन कुछ जो थिंकिंग एक्टर, और ये अच्छी बात है, एक्टर्स को अपनी थॉट्स सेट पे रखना, अपना स्टांस रखना, ये बड़ा ज़रूरी. और आप जो इमरान का कहते, चले बता ही देती हूँ, इमरान वॉज ऑल्सो द हीरो ऑफ माई फर्स्ट फिल्म. बिल्कुल. एंड ऑल्सो दिस ड्रामा दैट आई हैव रिटन. तो जब भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्लैश ऑफ थॉट आता है, तो वी ट्राई सॉर्टिंग इट आउट. ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ. वेल डन अमर खान. वातिनों हजरात, अमर यही है, मैं भी यही हूँ. आपने कहाँ जाना है यार, आप भी यहीं पे रहे. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. ठुमका लगाऊंगी रे दम दम से. मैं भी हूँ थोड़ा, अरे थोड़ा क्रेजी, पर बोलू पर प्रॉपर अंग्रेजी. चल छोड़ना हम आज मिलकर नाचे, घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी, घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी, जलेबी. वाओ, आओ सारे बनाओ जलेबी जलेबी, आओ सारे बनाओ जलेबी जलेबी, आओ सारे बनाओ जलेबी. घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी, आय हाय, घूमे लाइक जलेबी जलेबी. क्या जलेबियां बनी लाइव जलेबियां? चल जलेबी जलेबी. वीर पे किलो, वीर पे किलो.
20 रुपए किलो. थैंक यू थैंक यू. अरे आपने हमें उठा दिया, आपने इतना, आप क्यूटली आई और इतना प्यारे सुरो. यू आर सच अ टैलेंट पैक. थैंक यू फॉर सिंगिंग माय सॉन्ग. थैंक यू हादिया. हादिया ने अमर हमारे सारे शोज में इतनी रौनक लगाई अपनी आवाज से. आज भी आप आई, थैंक यू सो मच. आपने जाना कहीं नहीं, आपने यही रहना है. अभी हमने आपसे और भी बड़े गाने गवाने. एग्जैक्टली. ठीक है. थैंक यू थैंक यू. तुसी तो इधर आओ ना जरा. जी जी. मैंने अभी डिस्कवर किया आपकी आवाज में तो बड़ा एक सुर है यार. हो जाए यार कोई एक. ये देखिए अब आपने यार स्पॉट लाइटें जो आपने मेरे ऊपर डाल दी है ना यार. हो जाए यार. क्या कौन कोई भी आपका फेवरेट गाना ये सुनाए ना. चलना भी है ना तो कोई ऐसा बताएं जो जो आपको पसंद है. शाना उचिया तेरी अपीरा हो मन दू हनेरी अपीरा इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपार कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त दम की हीरोइन के तवस्सुस से दम मस्त कलंदर खास तौर पे हसन चौधरी के लिए. बल्ले बल्ले. ये मुझे लग रहा है के राइटर एक्ट्रेस एंड ऑल्सो सिंगर. नहीं नहीं अल्लाह ना करे यार. नहीं, नहीं, मुझे, मुश्किल प्रोफेशन नहीं, 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 नहीं मुझे लग रहा है कि ये सिंगिंग टैलेंट भी आने लगा है आपके पास. अच्छा. हाँ सर बिल्कुल डन. अच्छा हमारे पास गेम है बड़े मजे की. इट्स कॉल्ड व्हाट्स ऑन माय हेड. ठीक है ठीक है. आप क्योंकि एक जबरदस्त एक्ट्रेस हैं हमारे शो पे आप आई हैं तो है. मैंने सोचा कि कोई एक्टिंग का एक मुकाबला हो जाए. आप अक्सर मुझे कहती रहती है मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए. हाँ जी बिल्कुल. तो मैं देखूं तुझे मैं हूँ कितने पानी में. बिल्कुल ठीक है. तो ये पांच मैं रखूंगा अपने पास. बिल्कुल सही. और पांच आपको दूंगा. एक है. दो तीन चार और ये पांच. ठीक है जी. दोनों एक दूसरे को गैस कराएंगे. ओके. फर्स्ट माय टर्न. ओके योर टर्न एक्चुअली. अच्छा हाँ हाँ. काजल आंखा आंखों से गोली मारे मस्कारा. वो जो होता था क्या कहते हैं उसको सुरमा सुरमा भोपाली सुरमा आंखों का सुरमा सुरमा सुरमई आंखें. एक वर्ड. एक सुरमे की डली. सुरमे की डली. एक एक सुरमा. सुरमा एक ही. अच्छा बच्चे दो अच्छे. पहला वर्ड हो गया. सुरमा दूसरा वर्ड. हाँ सुरमे की डिबिया सुरमे का व्हाटएवर दैट इज सुरमेदानी. सुरमेदानी. तो ही इज ऑलमोस्ट क्लोज. ठीक है. मेरी बारी. आप उधर ही रख लें अपने. ठीक है. ये ले. देखना नहीं आपने. हाँ हाँ. ओके. चुड़िया कौवा कबूतर. पहला वर्ड है कबूतर. हाँ. लड्डू. दीदी तेरा देवर दीवान. ये एक्शन तो आपने उसने का मारा. कबूतर ने क्या जीता है. कबूतर तो नहीं होएगा. कबूतरी दा. कबूतरी की बैक साइड. मुझे एक सेकंड. अंडा. हाँ कबूतर का अंडा. कबूतर का अंडा नहीं होता कबूतरी का अंडा होता है. कबूतरी का अंडा. आपने बहुत बुरा किया इसका. मैंने कहा पीछे पता नहीं अंडा निकला ना. कबूतर अंडा निकला पीछे से. फिर मुझे याद है कि अंडे का ये ज्यादा अच्छा. हाँ एग्जैक्टली. आई एम अ गुड एक्टर. अच्छा ये रख दूं. हाँ ठीक है. ओके योर टर्न. ठीक है. हाँ पानी. हाँ ग्लास बॉटल. हाँ पानी की बॉटल. मुझे सान आ रहे हैं. इधर लाए ना ये चीज. चलो एक एक. हाँ चलो रेडी. हाँ मुझे गेस करा. हाँ गन्ना. छोटू गंडेरी. प्यार दी गंडेरी चूस ले. ऐसे तो गंडेरी होती है और कुछ नहीं होती. गंडेरी ऐनी जी होती है. हां तो ऐडा ऐड भी है. तो बड़ा तो गन्ना ही होता है. गन्ने दे गंडेरी भी और भी चीजें होती हैं.
दातन, मिसवाक, दातन, मिसवार, क्या? कुछ तो करे ना, क्या ऐसे क्या? क्या मैं सर मैं वो एक सेकंड। कलाई, खुशबू, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ जो खुशबू की में आ रही है? हाँ। कुछ पाया था मैं कुछ मतलब है कि कुछ? अच्छा गजरा, हाँ गजरा मोहब्बत वाला, गज, रा, गज, गाजर, oh my god, terrible acting यार, कोई गाजर ऐसे बताता है? आपने ऐसे किया है तो ऐसे तो गन्ना करके खा, मैंने तो आज तक ऐसे गाजर नहीं खाई है। कुछ गलत, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है। गाजर ऐसे कोई नहीं खाता। अच्छा गाजर कैसे होती है आप बताएं? क्या ऐसे करके तो नहीं कोई गाजर? आप बताएं गाजर, आप बताते कोई वेजिटेबल, कोई शेप? तो फिर मैं दो तीन बता, आप बता रही, मैं नहीं बता सकता था। अच्छा हलवा भी सी? अच्छा गाजर का हलवा, आपने गाजर पे इतनी बुरी एक्टिंग की है यार। है, जो आप, मैंने अच्छा बताया फिर। अब आपकी बारी ना, वो आप गेस कराए, क्या करेंगी? मैंने गेस, ए, क्या करना है? अब मैंने गेस करा ना। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। पंछी, पंछी नदिया, गाजर। मुर्गी, हाँ हाँ हाँ, मुर्गी, मुर्गी का की मुर्ग मुसल्लम, लेग पीस, एड्रेस वो करेगा, कढ़ाई, मुर्ग कढ़ाई, मुर्गी की, मुर्गी का सालन, मुर्गी का, मुर्गी की बोटी, मुर्गी का मुर्गा, कैसे बताऊँ, मुर्गी का अंडा। एक सेकंड, मैं हुक स्टेप कर रही हूँ, हाँ। आपको बजाना है वो कौन से? हाँ ये तो शीला की जवानी, देसी गर्ल, देसी मुर्गी, यार ये हुक स्टेप था यार, ये होता है जब एक आर्टिस्ट डांसर हो तो हुक स्टेप से लफ्ज निकाल दे। यार ये बैठला नहीं यार, कभी किसी ने आपको ऐसे गेस कराया है? नहीं, कोई नहीं करा सका। अच्छा मेरी बारी, हाँ, और आपको बैठला नहीं यार। अच्छा मेरी बारी, हाँ चल। पतंग, बोकाटा, पेचा, चील, कौवा, बड़ा बड़ा है कुछ, बड़ा, बड़ी तो चील ही होती है यार, ड्रैगन, ड्रैगन तो नहीं, इतना बड़ा भी नहीं गया। शुतर मुर्ग, ये हू कर यार बड़ा है ना। बाज, बाज, पतंग बाज से सुना से यार मैं लगा मर यार, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, बाज की में बड़े हमें। ओ मैं अजू, मैंने कहा ये कौन सा ड्रैगन फ्लाई आ गया। यार कमाल हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपकी बारी, कैसे मैं पतंग, बहुत मजे का यार ये सेगमेंट है सजना, तो यार वाह वाह वाह, हाँ ठीक है। हाँ कपड़े, हाँ स्कर्ट, ड्रेस, मैक्सी, पैंट, पैंट बुशर्ट, दोबारा करना, दोबारा करना, दोबारा करना, नहीं जो पहले किए। अरे किसी अंधे को भी समझ में आ जाए कि मैं क्या, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी क्या बात कर, सूट। हाँ अच्छा मैं आपको फिर गाने का हिंट देने लगी, ठीक है? सुपरमैन, बैटमैन, टार्जन, टार्जन। अच्छा नहीं गाने से एक्चुअल आपका वो याद करवा दो, ये है ना, ठीक है ये जो भी है, ठीक है स्लीव शर्ट, फटाफट पोस्टर निकला हीरो, हार्ड दिया क्या, बहुत सारी चीजें फट सकती है। ये गाने का आपको बता रहा, फटा पोस्टर एक निकला हीरो, नहीं नहीं गाना छोड़ के, वो नहीं आपको याद होगा। क्या कुछ फाड़ना है, पैंट फट गई, हाँ फटी हुई पैंट, फटी हुई जीन, फटी लत, और चीजें बताए ना क्या होती है कपड़ों में, पैंट, लेगिंग, जीन्स,
स्कर्ट, नो स्कर्ट, बॉक्सर्स, अंडरवेयर, धोती, धोती ऊपर क्या होता है, कमीज, कुर्ता, हाँ कुर्ता, फटा हुआ कुर्ता, हाँ कुर्ता, हाँ कुर्ता पा रहे हैं, सलवार लाती है। ये नीचे क्या पहनते हैं कुर्ते के, सलवार और पजामा। मैंने कहा शायद आपको लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के से कुर्ता समझ गया। ओए 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 आपने क्या क्या मैं लैला लैला शर्ट टी-शर्ट बॉक्सर्स पैंट आपने ऐसी किसी अटैच यार आप कुर्ता जो थी ना पजामा उतार रही थी आपको पहनाना चाहिए था इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। कुर्ता तो पहन लिया आपने आपने अच्छा गए आपको कुर्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है किसकी बारी है मेरी हाँ मैंने मैंने गेस करना है आखिरी है आखिरी है चलें ग्रास ग्रीनरी मिट्टी हाँ पहला वर्ड मिट्टी है वर्ड इसमें ठीक है सेकंड मिट्टी का खटौना मिट्टी दूसरा दूसरा मिट्टी है पहला दुनिया पाकिस्तान वतन की मिट्टी गवाह रहना सरसब सेट कहाँ की मिट्टी पैसे की मिट्टी पैसा नोट क्या हसन ये मेरे पंजाबी क्यों है पंजाबी क्यों है पैहे मोल हाँ किसको कहते हैं किसी को कैमरे पे चीटिंग कराना मुल्क की मिट्टी मुल मुल्क की मिट्टी मुल्क का पैसा खजाना दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तानी लाहौर लाहौर लाहौरी मिट्टी मुल्तान मुल्तानी मिट्टी ओह गॉड यार कैसे कैसे कराती है मुल्तानी और कैसे कैसे मैं तो मोल तक पहुंच गया मोल्तानी टैन मुझे नहीं समझ आ रहा था मुल्तान और मोल का मोल 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 टैन हो जाता ना मोल टैन मैंने कहा सूरज कैसे बनाऊंगा मैं सूरज में बैठा मैं टैन हो रहा हूँ ऐसे मैं कर सकता था ऐसे कि बीच में वो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात हम ये गेस करने में लगाते शो में ओके चलो ये तो हो गया हाँ कुर्ता पजामा सारे हो गए ये लास्ट वन अच्छा ठीक है हाँ ये थोड़ा मुश्किल है अच्छा चलिए ये देखिए घर बीज लुकमा रोटी 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 पेड़ा आटा 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 और आटे की रोटी नान रोगनी नान तिल्ले वाला नान लीफ पत्ता खेत रोटी गंदम आगे गंदम 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 चुक के लेके जा रहा किसान हाँ मैं खड़ी हो सकती हूँ हाँ हाँ गंदम दी पेंट सैक रेस हाँ हाँ गंदम की बोरी ये मैंने देख लिया था। में किसी ने बताया ये मैंने देख लिया हुआ था उसी वक्त यार लेकिन अच्छा था सच है चीटर एक्टिंग कैसी की मैंने एक धा है एक्टिंग मैंने कैसी एंड में सारे बोल के आटा रोगनी ना गंदम यार ये गेम खेल के बड़ा मजा आया पर अच्छा हमारी अगली गेम है विस्पर चैलेंज हेडफोन ला लो तुसी ठीक है म्यूजिक चला देंगे हम जोर का आपने मेरे लिप्स रीड करने हैं ओके ठीक है आपने लेकिन फिर क्या सही बताना है हाँ तो मैं क्यों गलत क्यों बताऊंगा कि मैं हार जाऊं कैन यू हियर मी हाँ नहीं ना यू कैन यू कांट हियर मी ओके
गाना अच्छा चला है चमोला को। हर बकरी बकरे से तक। जब स्टार्ट करने लगे तो इशारा कर दें कि स्टार्ट करें। ठीक है ठीक है, थ्री वर्ड्स हैं। अच्छा काउंटडाउन अपने पास है, 3, 2, 1 नहीं, ठीक है, थ्री वर्ड्स, ओके काउंटडाउन। पापी 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 जी। हर बकरी बकरे से तंग है। है? पहला वर्ड बताएं। हर काल हर हर अल हर हर आरी हर बकरी 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 पे मैं 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 बेल मैं और जोर से बकरी बकरी हर बकरी बकरे मैं बकरी बो बकरा बकरी बकरे बैल सॉरी तेज बोल रही हूँ बैल हर बकरी बकरे से तंग है। मुझे पहले ही नहीं समझ आ रहा आपने बैल फैल फैल शैल सब। हर हर बकरी पाँव का भी ताल्लुक नहीं नहीं ये मैं हाँ। हर बकरी मैं कल बैल मैं हर बकरी बकरे से तंग है। मैं तो एवं करा रहा सी यू डू मैं एंड लाइक इट। चलो अगला वाला दम मस्तम देखी है आपने तमीज में रह पहला वर्ड बताएं दम दम मस्तम मस्तम देखी आपने लिखी आपने देखी आपने देखी आपने हैं देखी आपने दम मस्तम देखी आपने दम मस्तम देखी आपने दम मस्तम देखी है मैंने यकीन माने कोई 100 बार एडिटिंग टेबल पे तो 100 बार लिखी। कंजे को कंघी मिल गई पहला वर्ड गंजा कश्ती गंजा 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 हिजाब गंजा 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 गंजे को गंजा गंजी को खाली गंजे को कंघी मिल गई कंघी मिल गंजा कंघी गंजे को कंघी मिल गई गंजा गंजे को कंघी मिल गई गंजे गंजे को कंघी मिल गई फेर दे मिल गई फेरे मिल 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 पेल दे मिल 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 गई गंजे को कंघी मिल गई सेठ गंजे को कंघी मिल गई गंजे को कंघी मिल गई कंघी मिल गई गंजे को कंघी मिल गई डब्बे में डब्बा हायो रब्बा डब्बे में डब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा चांदनी रात हैं चांदनी रात चांद की रात चांदनी रात चांदनी रात चांदनी रात चांदनी चौक चांदनी चौक चांदी चोर चांदनी चौक चौक चोर चौक चोर चौक चांदनी चौक चांदनी चौक चांदनी रात चांदनी चौक चंदू का चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात चांदनी रात चांदनी चौक चांदनी रात चांदनी चौक चांद बालियां 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 उतार दूं बाली, बाली, बाली चांद की बाली चांद चांदनी रात चांदनी चौक चांदनी रात चांदनी चौक चांदी की बाली इतना लंबा कोई किसी से कैसे गेस करा सकता है। उफ 56 चूहे एक सेकंड मैं उतार रही हूँ कुछ बहुत गंदा समझ में आया वो नहीं है क्या दोबारा बताए गाने एक सेकंड गाने बंद हो गए गाने चलाओ भाई चल गए 56 चूहे चंपा 56 56 कंबल 56 जंपल 56 जंपे 56 चंबल 56 56 56 चूहे चंबल चूही 56 चूहे चूहे 56 चूहे चूहिया चूहे 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 चूहे
चूहे हाँ आगे 56 चूहे 56 चूहे 55 बिल्लियां 56 चूहे 55 बिल्लियां दोबारा 56 चूहे 55 बिल्लियां बचपन 55 55 बिल्लियां बिल्लियां 56 चूहे 55 बिल्लियां 56 चूहे 56 चूहे 55 बिल्लियां नाना पाटेकर की फिल्म लग रही जो 56 चूहे ठीक है बेलापुर की डायन पहला वर्ड बेलापुर बेलापुर बलीबू बेलापुर 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 बेला बेलापुर बला बेलापुर बेलापुर की डायन बेलापुर की डायन भला बुरा बेलापुरा बेलापुर की डायन बेलापुर बेलापुर की डायन कान आगे करती हूँ डायरेक्ट बता दे क्या कह रहे बेलापुर की डायन की बद्दुआ इतने लंब चलो आखिरी ओके रेस का घोड़ा स्लो स्लो दौड़ा पहला वर्ड रेस लिंज रेस लेडीज रेस रेस का घोड़ा 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 हाँ रेस का घोड़ा रेस का घोड़ा स्लो स्लो दौड़ा रेस का घोड़ा स्लो स्लो दौड़ा वेल तालियां ये इस गेम में उतनी तेजी नहीं थी अमर जितनी पिछली में थी इसकी क्या वजह इस गेम में जो कान में मेरे पापी चूलो चल रहा था वो कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर से आपकी जो होशियारियां दी मैंने कोई होशियारी पूरा लव से नहीं मैं सही बोलता हूँ यार सही तो बोलते हैं तो सुनने वाले ने लिप रीडिंग भी तो करनी होती है ना यार अमर लेकिन इतना मजा आया आप मेरे शो पे आई थैंक यू सो मच और क्या एनर्जी लेके आई हैं यार आप थैंक यू सो मच आपकी अपनी एनर्जी आज पकड़ाई नहीं दे नहीं नहीं बड़ा मजा आया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अनफॉर्चुनेटली वक्त आ गया कि हम आपसे अलविदा लें मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि आप जाएं लेकिन बाबुल की दुआएं लेती जा मैंने शुरू में कहा था ना लग दी लाहौर जी जी बिल्कुल हम दोनों ही लाहौर के हैं इनफैक्ट मैं जेलम को यार लेकिन मैं लाहौर इसमें सेकंड हूँ यार ओ अच्छा 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 लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब ना नच दी आ आपकी परफॉर्मेंस टिप टिप बरसा पानी पे क्या वायरल हुई है पूरी दुनिया में मुझे ये पता लगा तो लाइव देखी थी मैंने तो लाइव मैं तो खड़ा हुआ था लोग अपने अपने मोबाइल निकाल के बना रहे मैंने कहा नहीं मैं तो एंजॉय करूंगा इस बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मैंने ऐसे उस परफॉर्मेंस को एंजॉय किया मैंने अपनी आंखों में उसको बंद कर लिया हाँ। तो ये जो डांस का टैलेंट है आपके अंदर अमर ये क्या है कुछ सीखा आपने या ये नेचुरल बचपन से बस डांस करने का शौक था तो आई थिंक एक जो आप चीज को किसी चीज को लेके पैशनेट हो तो वो नेचुरली बड़ा एफर्टलेसली आती है यार मुझे नहीं आता डांस यार क्या क्या वजह है इसकी मैं सीख सकता हूँ स्टेप्स आप सीख सकते हैं किस पे सीखना चाहेंगे कोई गाना बजाए ना यार अच्छा सा गाना बजाए गाना मुझे आज स्टेप्स सिखाएंगी बिल्कुल और मैं डांस सीख के घर जाऊंगा आज इंशाल्लाह ओके टिप टिप प्यार था मेरा नहीं जो मैं लड़की याद कर मैं नहीं कर सकता ये बहुत अच्छा लगा आज आपका आउटपुट का इनपुट करा दिया